लंपी वायरस ने देश में कहर मचाया। गाय भैंस में मिला ये जानलेवा वायरस, क्या है लक्षण, कैसे फैल रही है बीमारी, क्या है बचाव के तरीके, आप पूरी जानकारी गौर से ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखें। दो साल पहले दुनिया में कोरोना महामारी ने दस्तक दी, जिसकी वजह से लाखों लोगों मृत्यु हुई। कोरोना महामारी का इलाज हुआ, वैक्सीन बनी तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मंकीपॉक्स ने भी संक्रमण का डर पैदा कर दिया है और एक बार फिर लोगों के लिए मास्क लगाना और दूरी बनाकर रखना जरूरी हो गया है। लेकिन कोरोना और मंकीपॉक्स के बाद लंपी वायरस नाम की बीमारी फैल रही है। हालांकि ये बीमारी अभी तक गायों भैंस के बीच ही फैली है। राजस्थान, गुजरात समेत 10 राज्यों में गाय भैंसों में जानलेवा लंपी वायरस फैलने की खबरें हैं। ये बीमारी जानलेवा इसलिए है क्योंकि सरकार के सर्वे में अभी तक इस बीमारी से 4,296 गौवंश की मौत हो चुकी है। दुधारू मवेशियों में फैल रहे इस बीमारी को गांठदार त्वचा रोग वायरस यानी LSDV कहा जाता है। इस बीमारी की तीन प्रजातियां हैं। पहली कैप्रपॉक्स वायरस, दूसरी गोटपॉक्स वायरस और तीसरी शीपपॉक्स वायरस। इस बीमारी के क्या है लक्षण? लगातार बुखार रहना, वजन कम होना, लार निकलना, आंख और नाक का बहना, दूध का कम होना, शरीर पर अलग अलग तरह के नोड्यूल दिखाई देना, शरीर पर चकत्ता जैसी गांठें बन जाना। AIIMS के मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर पीयूष रंजन का कहना है कि लंपी त्वचा रोग एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों, मक्खियों, जू एवं ततैयों की वजह से फैल सकती है। मवेशियों के एक दूसरे के संपर्क में आने और दूषित भोजन एवं पानी के जरिए भी ये दूसरे जानवरों में फैल सकती है। ये वायरस काफी तेजी से फैलने वाला वायरस है। क्योंकि ये रोग दुधारू पशुओं में पाया जा रहा है, लोगों को डर है कि कहीं उनमें भी इसका असर न हो जाए। हालांकि एम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन के मुताबिक इंसानों पर इसका कोई खतरा नहीं है। इस बीमारी के खिलाफ इंसानों में जन्मजात इम्यूनिटी पाई जाती है, यानी ये उन बीमारियों में से है जो इंसानों को हो ही नहीं सकती। हालांकि हम इंसानों के लिए परेशानी की बात ये है कि भारत में दूध की कमी हो सकती है, क्योंकि गुजरात में मवेशियों की जान जाने से अमूल के प्लांट में दूध की कमी हो गई है। ये बीमारी सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। पिछले कुछ सालों में ये बीमारी कई देशों के पशुओं में फैली। साल 2015 में तुर्की और ग्रीस और 2016 में रूस में फैली। जुलाई 2019 में इस वायरस का कहर बांग्लादेश में देखा गया। अब ये कई एशियाई देशों में फैल रहा है। भारत में ये बीमारी 2019 में पश्चिम बंगाल में देखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक लंपी वायरस साल 2019 से अब तक 7 एशियाई देशों में फैल चुकी है। साल 2019 में भारत के अलावा चीन, जून 2020 में नेपाल, जुलाई 2020 में ताइवान और भूटान, अक्टूबर 2020 में वियतनाम और नवंबर 2020 में हांगकांग में ये बीमारी पहली बार सामने आई थी। लंपी नामी की पूरी मालूमात जानकारी के लिए अगली न्यूज जरूर देखें। अगली खबर की जानकारी चाहिए तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।